जय माता दी फ्रेंड्स, आज मैं ऊपर नहीं जा पाई, बहुत ठंड लग रही थी सुबह सुबह, तो आज मैं अपना वर्कआउट यहीं कर रही हूँ अपना ब्लॉग देखते देखते। और मेरा ब्लॉग चल रहा है अभी टीवी में, देखो मैं देख रही हूँ, और आप सब भी मेरा ब्लॉग देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं यूट्यूब पे तो कमेंट करके मुझे बताएं, थैंक यू। साक्षी दीदी को उनका एक गोला दिया था बनाने को, एक घंटा तो हो गया होगा, क्यों साक्षी आधा घंटा हो गया है ना, और ये देखो इसने ऊन दो बार उलझा दी और फिर से उलझा दी, ये ऐसे ऊन का गोला बना रही हैं साक्षी दीदी हमारी। बट फिर भी अच्छी बात है कि वो सीखने की कोशिश कर रही है। आज देखिए हमारी छोटी सी क्लाइंट जो हमारे यहाँ हेयर वॉश करवाने आई हैं, और साक्षी दीदी उनका हेयर वॉश कर रही हैं। आंटी हैं, आज मैं इनका हेयर कट करने वाली हूँ, स्टेप कट है ना आंटी? हाँ, कंप्लीट हो गया। आप लोग बताएं कमेंट करके आपको कैसा लगा। आज इसने प्रैक्टिस के लिए बलि का बकरा मुझे ही बनाया है, देखो जरा। वैसे इसने अच्छी की है, मैंने इसे अच्छी सिखाई है, मैंने अच्छा सिखाया है सब कुछ, इसीलिए तू मेरा हेयर कट इतना अच्छा कर पाई। मैं अच्छा नहीं सिखाती तो तू नहीं कर पाती। ओके ओके, चल। आपको हमारी सर्विस कैसी लगी? लगता मैम गुस्से में, मैं देख रही हूँ। साक्षी मेरे साथ रह रहे के डायलॉग मारना सीख गई है, व्लॉग बनाना सीख गई है मेरे साथ रह रहे के। तो अब बताएं मैम, मेरी कटिंग हो गई है, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और किसी को भी स्टेप कट सीखना है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, जल्दी जल्दी आए और स्टेप कट सीखें। देखिए स्टूडेंट वर्क आज मैंने आप लोगों को दिखाया, हमारे यहाँ के स्टूडेंट कैसा करते हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। हमारा महिला मंडल का कोई कीर्तन ऐसा नहीं होता जिसमें ये भजन ना गाया जाए, राधे राधे बोल शाम आएंगे।
और ये भजन गाने के बाद सचमुच ऐसा लगता है कि सारी संगत झूमने पर मजबूर हो जाती है। बोल सच्चे दरबार राधे राधे बोल, शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे, हो राधे राधे बोल, शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे, हो राधे राधे बोल, शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे। प्रेम के आंसू दिन के बहते हैं, उनके तो हरि हर संग रहते हैं। Thank you.
आज मेरे पास कोई बुकिंग नहीं थी, बट मैं अभी कीर्तन में से आई हूँ तो मेरे पास एक कीर्तन में से वापस आ गई हूँ। और आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था कीर्तन में जाने का, मैंने आज मना भी कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगी, पर पता नहीं क्या होता है कभी कभी माता रानी ऐसी डोर फेंकती है कि ऐसा लगता है कि नहीं बस कीर्तन में चले जाओ। तो आज फिर मैं कीर्तन में चली गई थी। आज मैंने अपने व्लॉग में फिर माता रानी का दरबार आप लोगों को दिखाया। आप लोग को अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताना, और जय माता दी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अभी तो शादियाँ बंद हो गई हैं, एक महीना पूस का महीना चल रहा है, तो ये पूस के महीने में ऐसा लगता है कि पूजा पाठ कुछ ज़्यादा ही होते हैं, भजन और कीर्तन कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो अभी एक महीना पूरा रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहेगा। और बड़े मंदिर पे भी आज से रामायण जी शुरू की है, तो वो रोज़ शाम को रामायण हुआ करेगी बड़े मंदिर पे भी। तो मैं आज तो नहीं जा पाई क्योंकि आज कीर्तन में से आई तो लेट हो गई थी, बट हाँ कल ज़रूर जाऊँगी। तो उसके महीने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भजन कीर्तन चलते रहेंगे, तो मैं आप लोगों को भी मेरे साथ दिखाऊँगी व्लॉग में। और मैं अपना व्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे व्लॉग को अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो। और मुझे उम्मीद है मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मेरे वीडियो ज़रूर पसंद आएँ।